So from today onwards, we are going to discuss our chapter number 2, that is electrostatic potential and capacitance. All right, everybody. Chali. So our today's topic is electrostatic potential. चलिए, ओके। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विथ इट, ठीक है। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कुछ इस तरह से बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। द वर्क रिक्वायर्ड to be done against the electric field to bring unit पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द गिवन पॉइंट in the electric field, is called electrostatic potential. At that point, ये आपका एक डेफिनेशन हो गया, और करके एक दूसरा डेफिनेशन भी हमारे पास है। तो हम दूसरा डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको एक फिगर से समझाऊंगा, फिगर से बताऊंगा कि ये क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। सो द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done in bringing a unit positive test charge
विदाउट एक्सेलरेशन, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विदाउट एक्सेलरेशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, नाउ अभी ये जो दोनों डेफिनेशंस लिखी है ना मैंने, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ विथ फिगर। तो सपोज करो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो बेटा आप सब लोग जानते हो प्लस क्यू चार्ज की वजह से उसके आसपास के रीजियन में, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, से यस और नो। नाउ सपोज करो ये आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस है जहां पर क्यू जीरो चार्ज है, चाहिए क्यू जीरो चार्ज को आप लेके आना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है पी, यहाँ पर आप लेके आना चाहते हो, तो क्यू जीरो को ये जो क्यू चार्ज है वहां तक ही, मतलब ये पॉइंट पी है वहां तक लेके आने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसी वर्क डन को बोला जाता है, उसी वर्क डन को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को गिवन पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क डन होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, उसको ही बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चले ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय वी। इसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोटेड बाय वी। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आप लोग खास याद रखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। चले इट्स एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज वोल्ट, ठीक है, अदर यूनिट जूल पर कूलम और न्यूटन मीटर पर कूलम। अच्छा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-3 a-1। चलिए आप ये याद रखिएगा, तो हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू बाय चार्ज क्यू जीरो, क्योंकि अभी आपको बच्चों मैंने बताया, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, तो क्यू जीरो चार्ज को गिवन पॉइंट तक लाने के लिए डब्ल्यू वर्क डन, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए वर्क डन हाउ मच, सो दैट वर्क डन इज वी, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा आप सबको पता है, तो डब्ल्यू इंटू 1/Q0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू w/Q0। बोलो आई बात समझ में बच्चों, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आया,
लास्ट जो वर्डिंग मेरे थे ये समझ आए एवरीबॉडी? प्लीज से यस और नो, ये इम्पोर्टेंट था। सर। क्या बताया मैंने, सब लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसा बताया कि मेरे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पर Q0 चार्ज है, तो Q0 चार्ज को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक लेके आना है, तो जो वर्क डन होता है दैट इज W। तो मुझे अभी क्या करना था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को गिवन पॉइंट तक लेके आना है, तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा? तो उसके लिए जो वर्क डन होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी बोला जाता है, एंड वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू जीरो। आई होप सबको ये वाला चीज अभी समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर? यस चलो ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, इतना समझ में आना सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद जो डिस्कशन है ओके वो समझाना है मुझे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको ये चीजें दी हुई है, तो लिखना है तो समझना पड़ेगा आपको। ये सबसे इम्पोर्टेंट था, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। देखो सपोज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा जाए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर 2 मार्क में पूछा गया है तो यहाँ तक ठीक है। ये जो आपका आपने लास्ट में हमने किया ना बेटा, ये जो हमने लास्ट में निकाला ठीक है, यहाँ तक लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसके बाद मैं जो लिख रहा हूँ ये आप सिर्फ समझना ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका ज्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है। नाउ तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज इक्वल टू दी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इसके ऊपर से बोला जाएगा वी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इनफाइनाइट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और सॉरी इलेक्ट्रिक अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट का मतलब होता है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा, अपॉन क्यू जीरो ओके डब्ल्यू इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल एज दैट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अच्छा ये नेगेटिव साइन क्यों आया बच्चों, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है। देखो अभी मैंने जस्ट आपको रिसेंट में एक्सप्लेन किया था कुछ इस तरह से कि देखो रिसेंट में हमने कुछ इस तरह से बच्चों एक्सप्लेन किया था। सपोज करो आपके पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है,
ठीक है, और यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्यू जीरो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो जब प्लस क्यू को आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आओगे तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगा, तो उस रिपल्जन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा और तब जाके ठीक है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सिचुएट हो पाएगा। तो ये जो रिपल्जन है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है हमने। एवरीबॉडी गॉट इट जो मैं बोल रहा हूँ, समझ आया? माइनस टर्म क्यू यहाँ पर मौजूद है, रीजन समझा दिया आपको, पता चला एवरीबॉडी? ओके यस सर। ओके। अब पोटेंशियल, बेटा मानसी मानसी, यस सर। ओके आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आज से जम के ध्यान रखना, और कुछ समझ नहीं आए तो तुरंत पूछ लेना कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ आई, ठीक है बेटा? और चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी जो जो चीजें डाउट है वो मुझे पूछते रहना, ओके ओके। हाँ सर। अ पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंडिंग ऑन द साइंस। एन मैग्नीट्यूड, ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू, तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है जो आपका मैग्नीट्यूड है और साइन है चार्ज क्यू का एंड डब्ल्यू का, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? अभी हम डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ लिया, अभी हमारा डिस्कशन होगा एक्सप्लेन समथिंग अबाउट इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया बच्चों अपने को? एक्सप्लेन समथिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पोटेंशियल समझा, अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पी। अलोंग एनी पाथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? सपोज करो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से उसके आसपास में इस तरह का एक एरिया बन जाता है। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पर मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, चलो ना ये जो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, चलो ठीक है। नाउ इसके अंदर हमने दो पॉइंट कंसिडर किए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये आपका पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट ए। ठीक है, नाउ अभी क्या हुआ बेटा? सपोज करो, ठीक है, इस तरह से सपोज करो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर से एक चार्ज क्यू जीरो को हमने धीरे धीरे उठा के सबसे पहले पॉइंट ए पर लेके आए। तो पॉइंट ए पर उसका पोटेंशियल वी ए। नाउ उसको ए से बी पर लेके गए, तो बी पर उसका पोटेंशियल वी बी। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ डेल्टा वी, दैट इज वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप चार्ज को मूव करवाते हैं तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल में डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आप देख सकते हो प्लस क्यू से बी तक का डिस्टेंस सपोज करो आर वन है और ए तक का डिस्टेंस सपोज करो आर टू है। तो यहाँ पर आर वन जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि बी जो है वो सोर्स चार्ज के नजदीक है, इस वजह से उसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया। ए थोड़ा दूर है, इस वजह से इसका पोटेंशियल कम होगा। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बी बी माइनस वी ए से दिया गया है। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? एवरीवन प्लीज से यस और नो। चलो एक और एग्जांपल, ओके एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ पर आपके पास माइनस क्यू वन चार्ज है, यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू टू चार्ज है, यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू थ्री चार्ज है, यहाँ पर आपके पास माइनस क्यू फोर चार्ज है और यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, हियर दैट पॉइंट इज पी एंड हियर पॉइंट इज क्यू। तो आपको पी से क्यू जाना है। तो बच्चों पी से क्यू जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, पॉसिबल वेज है। एक तो स्ट्रेट वे हो गया, उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो पी से इस तरह से भी क्यू से पी पर चला जा सकता हूँ, इस तरह भी जा सकता हूँ, इस तरह भी जा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देर आर सो मेनी वेज फ्रॉम विच आई कैन मूव फ्रॉम क्यू टू पी। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? फिगर शोज दैट वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू जीरो by the electrostatic field
ड्यू टू एनी चार्ज कंफिगरेशन। डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पॉइंट क्यू एंड फाइनल पॉइंट पी। Work done is independent. Of path chosen. ठीक है, आप जो path choose करते हो इससे work done जो होता है वो independent होता है in going from Q to P. Okay. If VQ and VP are electrostatic potentials at point Q and P, then delta V VP minus VQ final minus initial, that implies delta V W Q to P upon Q zero, मतलब Q zero charge को Q पॉइंट से P पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ। ओके, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, चलो ये भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका यूनिट भी होता है बच्चों वोल्ट। नाउ 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। ये तीनों की वैल्यू सेम होती है, चले इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है एवरीबॉडी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। नाउ अभी मुझे 1 वोल्ट की डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। ओके, मुझे 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो 1 वोल्ट किसको बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electrostatic field is said to be 1 volt when 1 joule of work is done by external force
इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब. From 1 point. Two. The other. Against the electrostatic force. Of the field. Without acceleration. ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन. ठीक है, अभी समझने के लिए चलो मैंने आपको क्या बोला बेटा, हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू पी अपॉन क्यू जीरो. नाउ इफ डब्ल्यू क्यू पी इज इक्वल टू 1 जूल एंड क्यू जीरो इज इक्वल टू 1 कूलम. अगर मैं डब्ल्यू क्यू पी को 1 जूल लेता हूँ और क्यू जीरो को 1 कूलम लेता हूँ तो 1/1 ये हो जाएगा 1 वोल्ट. से यस और नो, एवरीबॉडी से यस और नो. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, क्या बोला बच्चों मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ अभी क्वेश्चन चेंज हो रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एवरीबॉडी. ठीक है, चले तो प्रिपेयर हो जाइए, हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में ड्यू टू यूनिट चार्ज. ठीक है, चलो देखो. नाउ अभी सपोज करो हमारे पास, ठीक है, इस तरह से ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा. इसके बाद मैं आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, पर जो हमने पढ़ा हुआ है आज के लेक्चर में वो आपको वापिस एक बार छोटा सा रिपीट करवा दूंगा. ठीक है एवरीबॉडी, चलो ये आपका ओरिजिन पॉइंट ओ, जहां पर आपने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. नाउ प्लस क्यू चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पर, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है. ओके, एक पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है. सपोज डिस्टेंस बिटवीन ओ टू पी इज आर. ठीक है, सपोज करो ये जो ओ से पी तक का डिस्टेंस है वो है आर. नाउ अभी पी से हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हमने एक इंटरमीडिएट पॉइंट लिया,
एंड बी। ओके नाउ क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है तो बेटा प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इस तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स आउटवर्ड होगा। सही यस और नो? सही बात है कि गलत मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसी तरफ होगा कि नहीं होगा भाई? यस सर। यस सर। ओके नाउ मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ये देखो मैं क्या समझा रहा हूँ बेटा, मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस से 1 कूलम चार्ज को गिवन पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है। अभी ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है ए और बी, तो इंटरमीडिएट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है सपोज करो डी एक्स जितना, ओके, और प्लस क्यू से ए तक का डिस्टेंस है सपोज करो एक्स। चलो तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी फाइंड करना है ना। तो लेट पी बी द पॉइंट, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम the origin O, at which the electric potential due to plus Q charge is required। देखो मैंने यहाँ पर मेरा intention clear कर लिया। सबसे पहले मेरा intention clear कर दिया कि मुझे plus Q charge की वजह से point P के पास potential required है, ठीक है, electrostatic potential required है। okay, चले so now the electric potential at point P is the amount of work done in carrying a unit positive charge from infinity to P, ठीक है। मतलब क्या होता है बेटा, P पॉइंट के पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलता है दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ओके कंसिडर एन इंटरमीडिएट point A situated at distance x from plus q charge, ठीक है। यहां पर भी मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक पॉइंट A कंसीडर कीजिए जिसका डिस्टेंस प्लस क्यू से एक्स जितना है। ओके चले ना फोर्स
on a unit positive charge by plus Q. ठीक है, देखो बच्चों मैंने क्या लिखा, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जब आप पॉइंट ए पर 1 कूलम्ब चार्ज लेके आओगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसका इक्वेशन होगा बच्चों आपके पास एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय एक्स स्क्वायर. ओके चले, के क्यू वन की जगह पर आप क्यू रखो, क्यू टू की जगह पर आप वन रखो अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ हो जाएगा बच्चों आपके पास के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर अलोंग ओ ए. ठीक है, तो क्या होगी बेटा डायरेक्शन आपकी, ओ से ए तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो उसकी डायरेक्शन ओ ए की तरफ होगी. सर इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो. टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय डीएक्स. ठीक है, मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डीएक्स जितना डिस्प्लेस करवाना है और बी पॉइंट पर लेके आना है, तो उसके लिए ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो भी छोटू सा होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपका एफ और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो गया. बोलो हाँ या ना. अच्छा चलो, यहाँ पर तो ये एक्चुअली एफ इंटू डी एक्स है. ओके, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा, एफ डी एक्स कॉस 180. अभी आपको लगेगा सर आपने कॉस 180 क्यों किया, बिकॉज बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से बी तरफ और फोर्स लग रहा है बी से ए की तरफ, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से हमने यहाँ पर एंगल जो है वो 180 डिग्री लिया, तो आपका वैल्यू हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स. आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नाउ टोटल वर्क डन, अगर हमने पहले छोटा सा वर्क डन निकाला, तो टोटल वर्क डन निकालना है तो जो टू छोटा सा वर्क डन निकाला उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर माइनस एफ डी एक्स करना पड़ेगा. चलो तो W इज इक्वल टू फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, ओके माइनस F का वैल्यू, फोर्स कितना था बच्चों आपके पास के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सही यस और नो. चले जो के क्यू है वो कांस्टेंट है, इस वजह से बाहर चले जाएंगे फ्रॉम इनफाइनाइट टू R. अच्छा X जो है, ओके मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया है बच्चों यहाँ पर, तो ये माइनस रखने की जरूरत नहीं है. एक्स है ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस टू, ओके तो ये हो जाएगा बेटा के क्यू, ओके एक्स रेस टू माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन इनफाइनाइट टू आर. चले तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के क्यू एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो इसको लिखा जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस वन अपॉन एक्स From infinite to R. अच्छा ये माइनस बाहर चला जाएगा तो दोनों माइनस एक दूसरे को नलिफाई करके प्लस बन जाएंगे, तो W is equal to KQ. अच्छा अभी वन अपॉन एक्स की जगह पर अपर लिमिट यानी R और X की जगह पर लोअर लिमिट यानी इनफाइनाइट, तो W is equal to KQ 1 by R minus 1 by infinite होता है बेटा 0,
तो वर्क डन W इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, आपके पास इक्वेशन आया, तो इसके ऊपर से हैंस वी कैन से वीपी यानी कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर से दिया जाएगा। चलो बोलो क्लियर हुआ सबको भैया? एवरीबॉडी यहां तक सबको क्लियर हुआ? प्लीज से यस और नो। यस सर। इससे ज्यादा आज मैं करवाऊंगा नहीं और इससे ज्यादा आज आपको समझ आएगा नहीं, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया है, सबको दिमाग में बैठ गया है। इज देयर एनीथिंग डाउट? कुछ डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है, फिर से एक बार तो शुरू करते हैं। आज हमने क्या डिस्कशन किया बच्चों? तो आज हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 2 को आपको मैंने कैसे समझाया? चैप्टर नंबर 2 क्या था बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके नाउ, तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक था दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है? आज का हमारा जो टॉपिक था बच्चों वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? एवरीबॉडी सब लोग अपना स्क्रीन ऑन कर दीजिए बेटा। चलिए सब लोग अपना स्क्रीन ऑन कर दीजिए। ओके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हमने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया कि अगर आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए जो वर्क डन होता है दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, फिर से एक बार बोलता हूँ, ध्यान रखना। मैंने आपको क्या समझा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब होता है आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके आते हो विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ऐसी कंडीशन। तो तब जो आपको पॉइंट के पास लाने के लिए वर्क डन लगता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दैट अमाउंट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एवरीबॉडी क्लियर? मीट? यस। ओके नाउ, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका SI यूनिट होता है वोल्ट, उसके अदर यूनिट्स होते हैं जूल पर कूलम और न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है बेटा? वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चले ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखोगे। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ W एंड Q। आपके पास W और Q का जो साइन होगा उसी साइन के बेस पर पोटेंशियल मिलेगा। तो मे बी पोटेंशियल जीरो हो सकता है, मे बी पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, मे बी पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है। नाउ उसके बाद हमने बात किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करवाना है तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से एक बार बोलता हूँ, सब लोग ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? किसी भी एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करवाना है तो उस टाइम पर जो वर्कडन लगता है दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का महत्व ज्यादा होता है। एवरीबॉडी गॉट इट? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड देन लास्ट में हमने जो प्रयोग किया वो ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बोलो सब लोग क्लियर हुआ बच्चों? एवरीबॉडी क्लियर? इज देयर एनीथिंग जो समझ में नहीं आया है? एवरीवन प्लीज से यस और नो। ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो? नो सर। ओके तो सब कुछ समझ आ गया है, तो बस आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे तक हमारा डिस्कशन होगा।